सो दोस्तों, ये है वंदे भारत एक्सप्रेस जो है सिकंदराबाद टू विशाखापट्टनम या फिर विशाखापट्टनम टू सिकंदराबाद एक्सप्रेस। और इस ट्रेन को ना आज 4 घंटे लेट हो गया, ये विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पे आज खड़ी है ये, और ये एकदम पूरे 4 घंटे लेट कर दिया गया। एक्चुअली लेट नहीं है, इसको डिले किया गया है 4 घंटे के लिए। अब डिले क्यों हुआ, इसके प्रॉब्लम ये बताई जा रही है कि इसके ऊपर पत्थर फेंके गए थे जिसके कारण इसको यहाँ पर लेट करना पड़ गया, क्योंकि कुछ लोगों ने इसको डैमेज कर दिया इसके एक विंडो को, जिसके कारण इसको अभी लेट कर दिया गया 4 घंटे के लिए। अभी ये अंडर मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस होने के बाद इसको फिर से यहाँ पे रिलीज कर दिया जाएगा। अभी ये 4 घंटे बाद निकलेगी, यानी कि इसका जो टाइम शेड्यूल है उसको चेंज कर दिया गया 4 घंटे बाद का। तो ये जो इंसिडेंट हुआ ये विशाखापट्टनम के अंदर ही हुआ, यानी कि इस विशाखापट्टनम के लोकल बंदे कोई यहाँ पे पत्थर फेंक दिया इसके ऊपर, जिसकी वजह से इसका एक ग्लास टूट गया। तो इसको अभी लेट करना पड़ गया क्योंकि इसका जो ग्लास है वो पूरा रिप्लेस होगा, तो इसको 4 घंटे इसलिए रीशेड्यूल कर दिया गया। तो ये है इंसिडेंट्स वंदे भारत एक्सप्रेस की, जो अभी भाई 4 घंटे लेट चल रही है इतनी फास्टेस्ट ट्रेन होने के बावजूद भी। तो जिसने भी ये सब किया उसका जो CCTV फुटेज है वो यहाँ पे आ चुकी है, तो यहाँ पे पुलिस आइडेंटिफाई करने में लग गए हैं। लेकिन ऐसा मत किया करो यार, क्योंकि इससे यहाँ पे खुद ट्रेन काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुकी है। अब यहाँ से ये जाएगा 12 बजे के करीब, क्योंकि इसकी जो मेंटेनेंस है वो चल रही है, तो भाई इससे ना काफ़ी ज़्यादा ट्रेन लेट हो जाती है, तो ऐसा प्लीज़ मत करना। तो ये इन्फॉर्मेशन थी वंदे भारत एक्सप्रेस जो है सिकंदराबाद वाइजैग वंदे भारत एक्सप्रेस, तो प्लीज़ ऐसा मत किया करो।